नुहू जिले के कांग्रेसी नेताओं ने निकाली गौरव यात्रा। बता दें कि देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। कांग्रेस आजादी अमृत महोत्सव में गौरव यात्रा निकाल रही है। हर जिले में तकरीबन 75 किलोमीटर लंबी यात्रा गत 9 अगस्त से निकाली जा रही है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जिस दिन से हुई उसी दिन को कांग्रेस ने चुना और उसी दिन से हर जिले में गौरव यात्रा निकालनी शुरू की। रविवार को गौरव यात्रा नुह विधानसभा के गांव आकेड़ा से शहीद पार्क खेड़ला तक गौरव यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में विधायक दल के उपनेता आफ्ताब अहमद, मामन खान इंजीनियर विधायक तथा पुनाना से मोहम्मद इलियास सहित जिले के तमाम कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। हाथों में तिरंगा लिए बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और तकरीबन 10 किलोमीटर लंबी यात्रा रविवार को निकाली गई। भीषण गर्मी के बावजूद भी कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता देशभक्ति से पूरी तरह से ओतप्रोत दिखाई दिए। देशभक्ति के गानों के बीच 10 किलोमीटर की यात्रा भी चंद मिनटों में पूरी कर ली गई। देश प्रदेश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान की वजह से घर, सड़क, वाहन सभी पर चारों तरफ राष्ट्रीय झंडा ही दिखाई पड़ रहा है। क्या बुजुर्ग, क्या महिला, क्या बच्चे, सब आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को यादगार बनाने में जी जान से जुटे हैं। आज़ादी की गौरव यात्रा पूरे देश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 9 अगस्त जिस दिन 1942 में हमारे नेता महात्मा गांधी और कांग्रेस ने ये नारा दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, उसी के उपलक्ष में 75वीं वर्षगांठ पे आज हमने भी नुह जिले में, चाहे वो फिरोजपुर झिरका विधानसभा हो, चाहे पुनाना हो, चाहे नुह हो, 75 किलोमीटर उसी के उपलक्ष में आज उसे हम पूरा कर रहे हैं। और आप देख सकते हो कि देश की आजादी में जिस तरीके से इस इलाके की सरजमी से हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी थी, आज उसी तरीके से, उसी जोश से और उसी उससे इस आजादी को कायम रखने के लिए और अपने शहीदों को खिराज अकीदत देने के लिए आज हम ये गौरव यात्रा निकाल रहे हैं। आजादी के बाद कांग्रेस ने जो देश को तरक्की, देश को बुलंदियों पे पहुंचाया, हम उसका भी कांग्रेस के जो स्वर्णिम जो इस देश के हो रहा है अवसर रहा है, उसको भी हम आज यहाँ अपने साथियों सहित कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से और आपके माध्यम से 15 अगस्त की पूरे प्रदेश को, पूरे देश को 75वीं वर्षगांठ पे बहुत बहुत हम मुबारकबाद देते हैं और यही संकल्प लेते हैं कि हमें आजादी को, संविधान को, प्रजातंत्र को कायम रखना है। उसके लिए जो भी लड़ाई, जो भी कुर्बानी हमें भी हो, वो अपने पूर्वजों की प्रेरणा लेके हम उसे कायम रखेंगे। आज 15 अगस्त की बात करें तो बेहतर है, और करेंगे किस चीज। आप लोगों के सामने आजादी की जो गौरव यात्रा निकल रही है, कल फिरोजपुर में निकली थी, उससे पहले हमारे दोस्त मेहताब ने भी यहाँ निकाली थी, जब हम विधानसभा सत्र चल रहा था फिरोजपुर में निकाली थी। और जिस तरह से मेवात के लोगों में पुरुष और खुशी है इस तिरंगा को लेके जो चल रहे हैं, मेरे ख्याल से मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखी। आप लोगों को खूब पता है कल देश को 75 साल आजाद हुए हो जाएंगे, उसी की वर्षगांठ पे हम ये आजादी की गौरव यात्रा निकाल रहे हैं। आप लोग अच्छी तरह जानते हो कि हमारे हजार भी लोगों ने कुर्बानी देकर आजादी हासिल की थी, उसको हम राज्य की तरफ पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि हमारे देश हमेशा उन्नति की तरफ बढ़े। अभी सबसे पहले आपका भाई जिसके अध्यक्ष में आज आजादी की गौरव यात्रा निकल रही है, उसको धन्यवाद देता हूँ। हजारों आदमी के साथ लोगों ने यात्रा निकाली है और सभी प्रदेशवासियों, देशवासियों को ये 75वें वर्षगांठ के ऊपर मैं आजादी की सबको शुभकामना देता हूँ।